क्यों फांसी लगाई, वजह क्या मान के चले? लुगाई के चक्कर में लगाई है, बदनामी तो कोई ना सह पाएगा। आपकी जो भतीजी है उसे भी टॉर्चर करती थी? हाँ जी, मारती है दीवारों में सिर बजाय करके धमी धम धमी धम। मैंने मारे थे जान से, मार दे से, अब कौन देखेगा। सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने मौत को गले लगा लिया, और गले इसलिए लगा लिया कि उसकी जो पत्नी है उसका चक्कर किसी और से चल रहा था। कई बार उसने उसे रोकने की और टोकने की कोशिश की, जो उसकी पत्नी को अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसने जीवन लीला ही समाप्त कर ली। क्या नाम भैया आपका? मिंटू। आपके भाई हैं जो खत्म हुए हैं? सगा भैया। कहाँ रहते थे? लाल तला गुरुद्वारे के पास रहता हूँ। क्या हुआ था बताइए? मैं नीचे बैठा था, रोटी वोटी खा रहा है, अरे बाहर को आए, बाहर को भी आए, कह मिंटू लौंडे का ध्यान रखियो। मैंने तू कोई परेशानी है तू मुझे बता। उनने कुछ ना बताई, ये ऊपर को गए। मैं उसके बाद में 15-20 मिनट बाद हल्ला सा कटा, मैं ऊपर को गया। फांसी लगा ली? क्यों फांसी लगाई, वजह क्या मान के चले? लुगाई के चक्कर में लगाई है, बदनामी तो कोई ना सह पाएगा। हाँ बिल्कुल, कहीं और चक्कर चल रहा है क्या है बताइए? चक्कर तो चल रही है इसका, इसके माँ बाप को भी बताइए, इसके चक्कर में इसकी लौंडिया भी खत्म हो गई है गोद की। गाली मत। हाँ, जो आपकी भाभी है उनका कहीं और अफेयर चल रहा है, आपके भाई ने रोकने की कोशिश की, कई दफ़ा उसके माँ बाप को भी बुलाया अपने घर पे, मीटिंग से भी जोड़ भाई, जब भी ना सुधरी, पंचायत भी जोड़ी, समझाने की कोशिश की, मगर नतीजा जो है वो शून्य रहा। तो उसको छोड़ देते, फांसी लगाने की क्या जरूरत थी? वो भी तो बात कह रहा है उससे। हाँ, अब क्या कर सकें उसका? आपने समझाया भाई को मरने से पहले? आपने समझाने बुझाने की कोशिश की थी? हाँ। पूरी बात बताओ थोड़ा सा। खूब समझाया ना। हाँ, मैंने कोई दिक्कत है तो ये परेशानी है, कोई वो है परेशानी बताओ मुझे। उनने कुछ भी ना बताया, ना कह रहा बस मेरी लौंडे का ध्यान रखिए, बेटी का ध्यान रखना। हाँ, पुराने वाली से एक लड़की इतनी बड़ी है। अच्छा, पहली भी एक पत्नी थी? हाँ, जो वो खत्म हो गई, पत्नी खत्म हो गई पहली वाली। अच्छी खासी नौकरी है, 40-45 हज़ार रुपये तनख्वाह भी है, खूब ठीक ठाक रख रहा था, शॉपिंग के लिए भी जाती, पैसे उसको देता, मगर उसका ध्यान कहीं और था, पैसे का उसको लालच नहीं था, जो उस पत्नी है वो लालच था किसी दूसरे से। तो कहाँ गए भैया? रो रो के बुरा हाल है, अब इकलौते भाई यही बचे हैं, पिता ख़त्म हो चुके हैं, जो माँ है वो ख़त्म हो चुकी है, पहली पत्नी थी उनकी वो ख़त्म हो गई, अब सिर्फ भाई इस दुनिया में है, अब यही बच्चों को देखेंगे, बच्चों को आप देखेंगे। आपकी शादी हो गई? हाँ जी। कितने बच्चे हैं उनको? मेरे पिता एक लड़का है, भाई साहब पे एक लड़की है जो नई से है, एक लड़की पहले मान ली इन्होंने, लुगाई ने इसकी ना, मैं भी भागा डोला, जो मेरे पे बस की वो कर सका, मुझे तो 5-6 हज़ार रुपये मिले, उसमें अपने घर का गुजारा चला था। आपके भाई की तो अच्छी सैलरी थी ना? 40-45 हज़ार रुपये मिलते थे। कोई भी बात हो गई, मेरी बातों को समझ ले रहा हूँ, अब कौन देखेगा। ये इस वक्त हालात ऐसे हैं कि अगर पत्नी का चक्कर किसी दूसरे से हो जाए तो बेहतर तो यह रहता कि अगर उसको छोड़ देता तो बेहतर रहता, मगर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बताया भी जा रहा है कि एक दिन पहले उनकी पत्नी ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की थी, कोई फांसी वांसी लगाने की कोशिश की थी आपकी भाभी ने? वो तो नाटक करती रहे घर में। अच्छा, ऐसे ही ड्रामे से करती रहे भाई। मैं उससे पूछेगा रहा, अपने भैया को समझाएगा रहा, मगर ना समझ में आई। अब कोई FIR वगैरह कोई आपने की है क्या? अभी कुछ नहीं किया है। पहली पत्नी से एक बच्ची है, मगर उसे भी वो टॉर्चर किया करती थी, जिसके लिए इनके भाई मना किया करते थे मगर फिर भी नहीं मानते। चलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपकी जो भतीजी है उसे भी टॉर्चर करती थी? हाँ जी। हाँ बताइए पूरी बात। मारती है दीवारों में सिर बजाय करके धमी धम धमी धम। मैं कई दफे कई भी इससे मगर सुनी नहीं इनने। मैंने मारे थे जान से, मार दे से, दिल को दुख पहुँचता असर। बिल्कुल। ससुराल में क्या हुआ था? ससुराल में इसके संग में हाथ पर छोड़े इसके ससुर ने, वहाँ पे मीटिंग जोड़ी, इन्हें तो भेज दिया, फिर अपना आप ही ऑटोमेटिक गुड्डू पंडित की कोठी ना, कल पर 3-4 दिन हो गए, अपना आप आई, फिर बहुत सी दवाई लेने आ रहे हैं, वो लेके नहीं आई, वो गुड्डू गुड्डी
अब फिर भी उन्होंने रख ली, चार लोगों ने पंचायत जोड़ के रखवा दिया। हाँ मगर फिर भी अपनी आदतों से बाज नहीं आई। नहीं जी,